यहाँ पे ये चिप्स पड़ी हुई है, तला हुआ नान है, ये चिप्स, पकौड़े, गोलगप्पे। अच्छा खाने का ऑर्डर दे दिए, बस खाने का वेट है। तो बैग पे व्यू चेक करें, भी बहुत अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी अलहमदुल्ला एकदम ठीक ठाक, बढ़िया। मालरोड मरी पे मैंने स्टे किया था, थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी, थकावट ख़त्म हो गई है। अभी मैं नीचे जा रहा हूँ मालरोड, मालरोड आपको विजिट करवाता हूँ और खाना शाना खाते हैं और फिर मिलते हैं। अच्छा ये जो हमारा रूम था, रूम से ये इसका व्यू है, आपको दूर पहाड़ नज़र आ रहे होंगे। तो ये होटल के अंदर से ही हमारा रास्ता है, तो अभी ये यहाँ से हम जाएंगे होटल के अंदर से ही माल रोड पे। ये जी अगर हम अपने रूम से निकलें तो रूम से निकलने के बाद ये यहाँ से माल रोड स्टार्ट हो जाता है। माल रोड बहुत से लोगों ने देखा होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा ये उनके लिए है। ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत से लोगों ने नहीं देखी होती, तो ये होती हैं चीज़ें उनके लिए। ये ऊपर जा रही हैं स्टेयर्स, और ये इधर खाने छाने का अगर किसी को सीन हो तो वो ये इधर। ये अच्छा, ये मोबाइल एक्सेसरीज की सारी मार्केट है। ये है जी माल रोड, मरी माल रोड का जो मेन बाजार है वो ये है। ये है जी मरी का मेन बाजार और यहाँ की प्रोडक्ट्स। अभी तो वैसे भी इतना रश नहीं, वरना इस बाजार में पाँव रखने की जगह नहीं थी, बहुत रश होता है अभी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा नॉर्मल है। अच्छा यहाँ की जो एक सही है ना, बचपन में भी हम देखा करते हैं ये जो चीज़ें होती हैं, कोई भी चीज़ लें 10 रुपये, ये देखिए कितनी कलरफुल हैं। तो ये बचपन में तो बहुत खाते थे, 10 रुपये की एक है, और ये है 20 रुपये वाली, और ये है 30 रुपये वाली। ये है जी, ये बहुत मतलब कि मरी में जो भी आता है मोस्टली ये चीज़ें तो लाजमी बाय करता है। ये है जी ड्राई फ्रूट की शॉप, यहाँ से हमने थोड़े से करवाए हैं, सिर्फ अखरोट करवाए हैं, ये अखरोट आपको पता है दिमाग के लिए बहुत अच्छे होते हैं और आँखों के लिए। ये ऊपर माल रोड से अभी हम जा रहे हैं नीचे की तरफ जहाँ पे खाने के पॉइंट है। मौसम बहुत ही आला है और बहुत मतलब कि रश नहीं है तो सुकून है, मतलब कि रश में आपको पता बहुत ज़्यादा किचकिच हो जाता है, जब रश ना हो तो आप सुकून से इंजॉय करते हैं। हैंड हुआ है हमारे साथ, नीचे गए थे कोई खाना वगैरह देखने के लिए, रेस्टोरेंट कोई भी नहीं है। अभी 350 सीढ़ी ऊपर चढ़ के वापस जा रहे हैं माल रोड की तरफ। ओए ओए, ये सही हैंड हुआ है हमारे साथ, पहले ऊपर से नीचे आए थे खाना खाने, अब वापस ऊपर जा रहे हैं। अच्छा नीचे से हम ऊपर आए हैं तो यहाँ पे आके माहौल ही कोई और है। ये रास्ता सीधा जाता है कैंट की तरफ, लेकिन हम अभी कैंट की तरफ नहीं जा रहे, अभी हम जा रहे हैं मारोड की तरफ, जहाँ पे ये स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं, कॉफ़ी के स्टॉल और बहुत आगे स्टॉल लगे हुए, सारे आपको विजिट कराता हूँ। यहाँ पे ये चिप्स पड़ी हुई है, तला हुआ नान है, ये चिप्स, पकौड़े, गोलगप्पे, चना चाट, ये सारी चीज़ें यहाँ से आपको कॉफ़ी इजीली मिलती है। स्टॉल्स अच्छे हैं, खाने में इनका टेस्ट पता नहीं कैसा, लेकिन इनकी जो खूबसूरती है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे ये जूस वगैरह, लेमन माल्ट, बर्गर, कॉफ़ी, पॉपकॉर्न, आइसक्रीम, ये फ्रेश जूस भी है। अच्छा मरी तकरीबन मैं 2010 में आया था, और 2010 के बाद मैं अब आया हूँ 2023 में, मतलब कि कोई 13 साल बाद मैं दोबारा मरी आया हूँ, लेकिन यहाँ का नक्शा ही बदला हुआ है। सही मेन बाज़ार ऊपर है, लेकिन वो है वो जो पहले दिखाया वो था छोटा बाज़ार, लेकिन पुराना वो है, ये बाद में सारी चीज़ें बनी है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पुरानी ओल्ड शॉप्स हैं वो सारी उधर ही हैं। सामने बिल्कुल मरी हिल है, अभी मरी हिल की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उससे भी पहले इम्पोर्टेंट है कि हम कोई
रेस्टोरेंट ढूंढ के खाना खा लें, क्योंकि बहुत क्योंकि भूख शदीद की लगी हुई है। सुबह का सिर्फ नाश्ता किया हुआ है, सबसे पहले रेस्टोरेंट ढूंढ के हम वहाँ पे खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद फिर आपको ये सारा विजिट कराते हैं। ये जी मरी हिल, मरी हिल की यहाँ से एंट्रेंस है, लेकिन पहले इस तरह की एंट्रेंस नहीं होती थी। पहले तो ये सीन होता था कि चुप करके आप जाओ गुजर जाओ, अब इन्होंने ये पॉइंट बना दिया। लेकिन पहले ये नहीं था, 2013 की बात करूँ, 2013 के बाद 2010 की बात करूँ, उसके बाद 2023, 13 साल बाद मैं इस जगह पे आया। अल्हम्दुलिल्लाह जी खाना आ गया, खाने की शक्ल तो बहुत अच्छी लग रही है शक्ल से। और ये है टिक्का बोटी, ये जी टिक्का बोटी, और ये है जी चिकन कड़ाही। तो अभी बस इसको खाते हैं, खाने के बाद आपसे मिलते हैं। अच्छा खाना तो खा लिया था, खाना खा के अब हम जा रहे हैं वापस, और बाहर जो माहौल है अमेजिंग। ये सामने भी बाजार है एक, यहाँ से कुछ व्यू है नीचे की तरफ। ये मरी हिल की तरफ जो बाजार है ये वो वाला बाजार है, और आगे होटल्स हैं, और वो ऊपर मरी हिल होटल। ये जी पाउंड और डॉलर शॉप, यहाँ से हर चीज़ आपको $1 की प्राइस में है जो वो मिलती है, मतलब 250 के एवरीथिंग। ये बिल्कुल रेड जो सामने आपको नज़र आ रहा है रेड रूफ वाला, ये है जी मरी GPO। तो ये मरी की सबसे फेमस जगह GPO। मरी GPO से हम जा रहे हैं अब वापस नीचे की तरफ, माल रोड है जो, और उसी तरफ, और हमारा रूम भी उसी साइड पे है। तो बस अब वहाँ पर जाके थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, और रेस्ट करने के बाद आपको मिलेगी छोटी सी ब्रेक के बाद। यहाँ पे ये कुछ खाने के पॉइंट है, अगर किसी ने कुछ देसी वगैरह खाना खाना है तो वो आपको देसी खाना यहाँ से आप इजीली अप्रोच कर सकते हैं। और ये रास्ता बिल्कुल सीधे आगे कैंट की तरफ चला जाता है, लेकिन हमने तो अभी जाना है माल रोड जो पुराना ओल्ड बाजार है उसकी तरफ। कितो खानी है, कौन कितो खानी है भैया, है शीशा लवर्स के लिए फुली सामान अवेलेबल है। यहाँ पे भाई जान, ये भाई कह रहे थे कि कॉफी इनकी बहुत अच्छी है, अभी देखते हैं क्या सीन है, कॉफी बना रहे हैं ये। वालेकुम सलाम जी मिस, की नहीं है मैंने, किसकी की है, एक ही है। ये चीज क्या बात है जी, ऊपर ये क्रीम डाली जा रही है जी। कॉफी भाई जान अब पी के पता चलेगा कि कैसी बनती है। ये व्यू है जी द मरी कैफे का, और ये नाइट व्यू है मरी माल रोड का, जो कि सीधा मरी हिल की तरफ रास्ता जाता है, ये उसका व्यू है। ये 1853 से लेके 1947 तक मरी हिल्स की हिस्ट्री है, उसके बारे में ये सारा लिखा। ये सारी ओल्ड पिक्स लगी हुई हैं, GPO मरी पहले ऐसा हुआ करता था। और ये माल रोड को चेक करें, ये
ये है जी सुबह का व्यू, मरी माल रोड से ये आपको व्यू नज़र आ रहा है। अभी बिल्कुल हर चीज़ बंद है, नीचे बाजार भी बंद है, तो ये व्यू है। ये आप पहाड़ों के ऊपर देख रहे हैं, ये जो पहाड़ों के ऊपर जो सूरज की किरणें हैं, सूरज की जो शाइन आ रही है, ये कमाल है माशाल्लाह। ये देखें जी आर्मी का हेलीकॉप्टर है, और कहाँ से जूम किया है, यहाँ से इसको जूम किया है, जबरदस्त व्यू है यार। अभी ना पहाड़ों के ऊपर हल्की हल्की स्मॉग आई हुई है, अगर आपको यहाँ से नजर नहीं आ रही होगी, लेकिन स्मॉग आई है, पहाड़ सारे छुपे हुए हैं।